राहुल गांधी पहुंचे हाथरस, सत्संग में मारे गए लोगों के परिजनों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा। राहुल गांधी से लिपटकर रोए हाथरस हादसे के पीड़ित, कहा टेंशन न लो हम हैं, अब आप हमारा परिवार मुद्दे को संसद में उठाएंगे। राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर की लोको पायलट से मुलाकात, लोको पायलटों की आराम समेत कई समस्याओं को लेकर संसद में उठाएंगे आवाज। हाथरस हादसे में अब तक नहीं हो पाई बाबा की गिरफ्तारी, अब तक 6 आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार। हाथरस हादसे में पत्नी और बच्चे की मौत का सदमा में युवक, बोला गिरफ्तार करो या फांसी पर लटकाओ, मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। पत्नी को कुछ भी हो वो आईसीयू में भर्ती है, लेकिन हम सत्संग जाना नहीं बंद करेंगे, हाथरस हादसे में घायल महिला के पति ने कही बात। लोकसभा में बीजेपी को चैलेंज के बाद पहली बार गुजरात जा रहे हैं राहुल गांधी, पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी ने वर्ल्ड चैंपियन से की मजेदार बातचीत, हार्दिक, सूर्यकुमार, रोहित, कोहली, पंत, कुलदीप, अक्षर, सबने की पीएम मोदी से अपने दिल की बात। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के आम चुनाव में लेबर पार्टी की जीत पर स्टार्मर को दी बधाई। नीट पीजी एग्जाम की नई तारीख का ऐलान, 11 अगस्त को होगी परीक्षा। परीक्षा रद्द करना सही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बोला एनटीए, ये होनहार छात्रों से धोखा होगा। हाथरस भगदड़ में हुई मौतों पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका। बिहार में गिरते पुल पर सरकार का बड़ा एक्शन, 11 इंजीनियर्स को किया गया सस्पेंड। क्रिकेटर रोहित शर्मा, सूर्यकुमार, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल ने महाराष्ट्र के सीएम शिंदे से की मुलाकात। वाइल्स पंजाब दे चीफ अमृतपाल सिंह ने लोकसभा में ली संसद पद की शपथ, विशेष विमान से लाए गए थे दिल्ली। राहुल गांधी कल गुजरात दौरे पर जाएंगे, अलग अलग दुर्घटना के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। केजरीवाल की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई 17 जुलाई को, सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। ईडी ने डीजेबी भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद में की छापेमारी। बारिश के कारण फल सब्जियों के दामों में लगी आग, टमाटर हुआ लाल तो वहीं प्याज ने निकाले आंसू। तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट से 1.16 करोड़ का सोना किया जब्त, शख्स ने घुटने के नीचे कपड़ों के अंदर एक पेस्ट के रूप में सोना छुपाया था, 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। 7 दिनों में 700 करोड़ पार कर गई 2024 की सबसे बड़ी भारतीय फिल्म कल की फाइटर को भी पीछे छोड़ा। कोटा में जेईई स्टूडेंट पंखे से लटका मिला, कोटा में ये 14वां मामला आया सामने। मेरठ में पढ़ाई की जिद पर भारी पड़ी गरीबी, आर्थिक तंगी से परेशान पिता ने बेटी के साथ जहर खाकर दी जान। मुंबई में आज सोने के दामों में कोई बदलाव नहीं, सोना 73,090 रुपए तोला था, वहीं चांदी 93,200 रुपए किलो। थाने में एक व्यक्ति ने पहले किया 9 साल की बच्चे से दुष्कर्म, फिर कर दी हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।